देश की मौजूदा मुसीबत मोदी सरकार के लिए आर्थिक मोर्चे पर कई परेशानियां खड़ी करती दिखाई दे रही है। 2019-20 के आर्थिक आंकड़े सरकार की टेंशन में इजाफा कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2019-20 की जीडीपी ग्रोथ रेट 11 साल के निचले स्तर पर है, तो वहीं सरकारी खजाने का घाटा 7 साल में सबसे ज्यादा है। देखिए रिपोर्ट। मौजूदा मुसीबत के बीच सरकार की परेशानियों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सरकार जान और जहान दोनों बचाने की बात कर रही है। जान बचाने के लिए पूर्णबंदी की गई और जहान बचाने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई। लेकिन दिन ब दिन बढ़ते मामले और सरकारी खजाने पर बढ़ता दबाव सरकार से बेहतर रणनीति की मांग कर रहे हैं। आंकड़ों के लिहाज से देखें, 2019-20 में राजकोषीय घाटा बढ़कर 4.6% रहा। ये 7 साल का उच्च स्तर है। 2012-13 में राजकोषीय घाटा 4.9% था। सरकार ने 3.8% घाटे का अनुमान लगाया था। 2018-19 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.4% था। आंकड़े बता रहे हैं कि राजकोषीय घाटा सरकार की उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। दरअसल राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार कर्ज लेने को मजबूर होती है और फिर ब्याज समेत चुकाती है। इसका सीधा असर जनता की जेब पर भी पड़ता है। घाटे को पूरा करने के लिए सरकार कई तरह के उपाय करती है, जैसे पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त टैक्स लगाने का फैसला भी राजकोषीय घाटे को ही कम करने के लिए लिया जाता है। दरअसल कर संग्रह कम होने की वजह से सरकार को राजकोषीय घाटा हो रहा है। अब देखना होगा कि राजकोषीय घाटा कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है और इसका जनता की जेब पर कितना असर पड़ता है। डीपी लाइव की रिपोर्ट।